दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानेंगे किस प्रकार आप अगर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का नया अकाउंट ओपन करवाए हैं तो उसका एम पिन को सेट रिसेट फॉरगेट इजिली अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पहले क्या सीन अलग था, अभी आप जितने भी एयरटेल पेमेंट अकाउंट खुलवाएंगे उसका डिफॉल्ट एम पिन काम नहीं करता, ना ही चेंज होता, आपको एम पिन रिसेट करनी पड़ती है। और जब भी आप एम पिन रिसेट करने जाते हो आपका वहाँ पे डिटेल डू नॉट मैच करके एरर मारता है, 5 बार ट्राई करें आपको 24 घंटे के बाद ब्लॉक लगा दिया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी एयरटेल पेमेंट बैंक के एम पिन के ऊपर कई सारे वीडियो दे रखी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसलिए आता है उनका, किसी लोगों का एक अक्षर का नाम होता है यानी सिंगल नेम ही होता है, मान लो राम नाम है तो राम ही नाम है, किसी का राम कुमार है 2 अक्षर का नाम हो जाता है राम कुमार, किसी का राम कुमार सिंह है, किसी का राम कुमार सिंह राठौड़ है, ऐसा ऐसा नाम होता है। और यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है उनको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की एम पिन रिसेट करने में, डिटेल डू नॉट मैच का एरर देखने को मिलता है। तो एयरटेल के एम पिन रिसेट किस प्रकार करेंगे, चलिए उसके लिए अपने सीधा एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं और बताते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। सिंपली आपको अपने एयरटेल ऐप को डाउनलोड कर लेनी है, वहां पे आपके रजिस्टर जिस नंबर से एयरटेल पेमेंट अकाउंट चल रही है उसको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको अपने सेविंग अकाउंट सेक्शन के अंदर आनी है, वहां पे आप व्यू अकाउंट डिटेल क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एम पिन मांगेगा, एम पिन मांगे जस्ट नीचे आपको फॉरगेट एम पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आपको एम पिन नहीं मालूम है तो। जैसे आप फॉरगेट एम पिन क्लिक करोगे आपको एक पेज खुलेगा जहां पे आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ 3 चीज मांगेगा। यहां पे बहुत सारे लोग इसी को सही सही फील नहीं कर पाते जिस कारण उसका एम पिन रिसेट नहीं हो पाता और उनका ब्लॉक भी लग जाता है 24 घंटे के लिए बहुत बार ट्राई करने की वजह से। चीज समझते हैं किस प्रकार यहाँ पे किस किस टाइप से हम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सही सही भरेंगे और क्या क्या चीज की सावधानी हम यहाँ पे बरतेंगे। पहली चीज की अगर आपने अपना आधार कार्ड जब एयरटेल पेमेंट खुलवाया था उसके बाद कोई तरह का करेक्शन करवा लिया नाम और डेट ऑफ बर्थ में, तो आपके जब ओल्ड डिटेल है वो डालकर आप यहाँ प्रयास करेंगे। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं कराया तो चलिए सीधा समझते क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम की कैटेगरी। नाम की कैटेगरी मतलब कि आपके कितने अक्षर के नाम है, मान लो आपके 1 अक्षर नाम सिर्फ राम है, 2 अक्षर नाम राम कुमार है, 3 अक्षर नाम राम कुमार सिंह है और 4 अक्षर का नाम राम कुमार सिंह राठौर है, तो कैसे बनेंगे लोग इसी को समझ नहीं पाते। देखो अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम है राम है, राम फिल करना है, उसके नीचे आपके डेट ऑफ बर्थ जो सही से आपके आधार कार्ड पे वो डालनी है, प्रोसेस करना है, आपकी ओटीपी यहाँ पे गिर जाएगी, ओटीपी डालो, नया 4 अंक का एम पिन सेट करो, आपको यूपीआई पिन होता है, इंजॉय करो। अब यहाँ पे दिक्कत आती है जिसका 2 अक्षर का नाम है राम कुमार, तो टॉप पे जो आपको देखिए फर्स्ट नेम वहाँ पे राम भरना है, नीचे लास्ट नेम और जो सरनेम आती है उसमें आपको कुमार भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरो, ओटीपी गिर जाएगी, एम पिन ओटीपी गिरेगी, ओटीपी डालो, एम पिन अपना 4 अंक का सेट करो, आपका हो गया, आप यहाँ पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अब दिक्कत आती है पहले फर्स्ट अक्षर नाम वाले तो हो गया, 2 अक्षर वाले इजी है, 3 अक्षर नाम वाले और 4 अक्षर नाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैंने देखा ज्यादातर लोगों का मेरे पास कमेंट आते हैं, रिसेंटली एक कमेंट और आया था आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसने कहा था मेरा नाम ये है मैं क्या डालू, मैंने रिप्लाई किया था, मैं वही चीज आपको बताता हूँ। अगर आपका नाम राम कुमार सिंह या राम कुमार सिंह राठौर है इन 2 कंडीशन में क्या करेंगे, तो फर्स्ट नेम में अपना राम भरेंगे आप, लास्ट नेम सरनेम जो उसमें आप ना कुमार भरेंगे ना अलग चीज भरेंगे। अगर आपका राम कुमार सिंह है तो लास्ट नेम में आप सिर्फ सिंह भरेंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आपका हो जाएगा। अगर आपका राम कुमार सिंह राठौर तो फर्स्ट में राम भरेंगे, लास्ट में राठौर भरेंगे, कुमार सिंह को स्किप करेंगे, यानी कि शुरू का भरना है और बीच का जो भी आपका अगर स्पेस के साथ नाम उसे छोड़ देना है और लास्ट का डेट भरना है। अगर पूरा नाम सटा हुआ है आपका A to Z राम कुमार सिंह सब सटे में है फिल करेंगे, अगर एक भी स्पेस है तो फर्स्ट और लास्ट को हम डिवाइड कर लेंगे, उसके बीच कितना भी नाम रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सब शुरू का जैसे कि MD आसिक अली है तो हम फर्स्ट में MD भरेंगे, आसिक को छोड़ देंगे और लास्ट वाले को अली भरेंगे, स्पेशली मुस्लिम नाम पे। तो इस प्रकार से आप डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ से चूज करेंगे, यहाँ पे आपका OTP गिर जाएगा, इसके बाद आपको OTP फिल होने के बाद 4 अंक अपने पिन का एम पिन सेट करेंगे, यही आपका UPI पिन होगा और आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई तरह का दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछो, मैं बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करूंगा, लेकिन यही कुछ प्रोसेस के साथ आपकी एम पिन इजीली सेट हो जाएगी एयरटेल पेमेंट बैंक का और आप इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अगर आप पेटीएम फोनपे गूगल पे ETC नहीं चलाते हैं, कोई एक चाहता है आप सबका इस्तेमाल कर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो इशू आ रही है एमपिन रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप एयरटेल का अकाउंट यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपके साथ हो सकता है स्कैम फ्रॉड, उससे हम किस प्रकार बचे सामने मैंने ऑलरेडी लाइव स्कैम करने की कोशिश किया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल रखा। और आप किसी भी एयरटेल का OTP शेयर ना करें, आप उस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।